तू क्लोज कर दे। सॉरी देयर वाज इलेक्ट्रिसिटी फेलियर इन माय एरिया एंड देयर इज अ डिसरप्शन बिकॉज ऑफ इट। बच्चों मैं वापस लौट कर आता हूं। मैं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था बच्चे, और अब तक की पढ़ाई में मैंने 3 टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था बच्चों। जो मैंने सबसे पहला टॉपिक डिस्कस किया था वो इकोनॉमी था। इकोनॉमी का अर्थ होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में वहां के लोग किस तरह से अपना लिविंग अर्न करते हैं। इट इज अ सिस्टम दैट स्प्रेड ओवर एरिया विच प्रोवाइड पीपल मीन्स टू अर्न देयर लिविंग। किसी भी एरिया में वहां के लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन अर्न करते हैं, इसे इकोनॉमी कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहां से चैप्टर का सेकंड कंसेप्ट मैंने स्टार्ट किया था बच्चे, स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी का अर्थ होता है कमी या अभाव। इट इज अ सिचुएशन वेयर सप्लाई इज लिमिटेड इन रिलेशन टू डिमांड। जहां पर वस्तुओं की पूर्ति स्थिर होती है लेकिन आवश्यकता के कारण उसकी मांग बढ़ने लगती है, इस अवस्था को कमी या अभावी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको स्कैर्सिटी कहते हैं। इट इज लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। फिर मैंने थर्ड टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था, व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट आर टेकिंग प्लेस इन एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में मूलतः 4 क्रियाएं की जाती है। देयर आर मेनली 4 एक्टिविटीज दैट टेक्स प्लेस इन एन इकोनॉमी। द फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन, इट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस। द सेकंड वन इज कंजम्पशन। कंजम्पशन का हिंदी अर्थ उपभोग होता है, जहां पर पीपल ऑफ एन इकोनॉमी फुलफिल देयर नीड्स एंड वांट्स इन ऑर्डर टू गेट सेटिस्फेक्शन। जहां पर लोग अपनी जरूरत के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं ताकि उनकी आवश्यकता पूर्ण हो सके। तीसरा कंसेप्ट होता था इन्वेस्ट, जिसे हम कहते हैं निवेश। वेयर एंटरप्रेन्योर पुट सम मनी इनटू द इकोनॉमी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट और सम टाइम इट मे बी सोशल वेलफेयर। थर्ड स्टेप होता है इन्वेस्टमेंट। द फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स अ गुड्स इज प्रोड्यूस्ड एट अ रिमोट लोकेलिटी एंड इट इज नीडेड इन पैन इंडिया। एक वस्तु गाजियाबाद के किसी फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया जा रहा है और उसकी आवश्यकता पूरे भारत में है, तो कैसे करके ये वस्तु गाजियाबाद से भारत के कोने कोने तक पहुंचता है, इसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने आपसे और डिस्कस किया था, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के लिए हमें किन किन वस्तुओं की, किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। सो देर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। द फर्स्ट इज लैंड, द सेकेंड इज लेबर, द थर्ड इज कैपिटल एंड द फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योर। और लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे जब हम डीलिंक हो गए थे बच्चे, वो टॉपिक चल रहा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझाने के लिए मैंने एक उसका दूसरा नाम दिया था, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हम सभी को बहुत कुछ चाहिए होता है लेकिन हमारी सभी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती है, और इसके पीछे वजह क्या है, हम इस वजह को समझने की कोशिश कर रहे थे बच्चों। द रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन इज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इंसानों की जरूरत अनलिमिटेड होती है। एज सून एज वन वांट्स फुलफिल अनदर वांट्स क्रॉप अप। जैसे ही मेरी कोई एक पर्टिकुलर इच्छा पूरी होती है उसी क्षण एक नई इच्छा जन्म ले लेती है, लेकिन इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, तब मैं बी कंपोनेंट को टच करता हूं, रिसोर्सेस आर स्कैर्स और लिमिटेड। इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास साधन असीमित होता है, यानी हमारे पास पैसा इतना नहीं होता कि हम अपने सभी जरूरतों को पूरा कर पाए। यहां से उत्पन्न होता है बच्चे अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेस। सो इज द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। द फर्स्ट इज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, द सेकेंड वन इज रिसोर्सेस आर स्कार्स, एंड द थर्ड वन इज अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेस। मुझे अपने यूजेस को अपने नीड के अनुसार प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, यानी हमें उसको सीरियल नंबर वाइज अरेंज करना पड़ता है कि हम अपनी कौन सी जरूरत को पहले पूरा करेंगे और कौन सी जरूरत को उसके बाद पूरा करेंगे। यहां तक बच्चों मैंने आपको समझाया था, और अब आज की पढ़ाई का हम अगला टॉपिक लेकर चल रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम को हम किस तरह से बांट सकते हैं।
अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन की बात करोगे, विस्तृत रूप से आप इसको बांटना चाहोगे, तो इकोनॉमिक्स को मेनली दो हिस्सों में बांटा जा रहा है बच्चे. द फर्स्ट इज माइक्रो एंड द सेकेंड इज मैक्रो. माइक्रो MICRO, माइक्रो ये वर्ड आपने साइंस में बहुत पहले पढ़ा था बच्चे. माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटे ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है. तो यहां से हम वर्ड छोटा कैच कर रहे हैं बच्चे. और जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूंगा तो मैं इकोनॉमिक्स के एक छोटे यूनिट, एक छोटी इकाई की बात करूंगा. और माइक्रो का अपोजिट होता है बच्चों मैक्रो. मैक्रो में मैं एक बड़े इकाई और पूरे इकोनॉमिक सिस्टम की बात करूंगा. मैं आपको इसको आपके डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करता हूं. देखो बच्चे, किसी एक बच्चे से मैं पूछता हूं, बेटा आपके मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं? और थोड़ी देर बाद उसी बच्चे से मैं दूसरा प्रश्न करता हूं, आपके क्लास टेंथ में कितने मार्क्स आए? जब मैंने बच्चे से केवल एक सब्जेक्ट, केवल एक स्मॉल यूनिट या इंडिविजुअल यूनिट, एक सब्जेक्ट की बात की है बच्चे, देन दिस एस्पेक्ट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स. मैं बच्चे का सिर्फ मैथमेटिकल एप्टीट्यूड देखना चाह रहा हूं. वहीं पर जब मैं बच्चे से क्लास टेंथ का मार्क्स पूछता हूं, अर्थात मैं उसके पांचों सब्जेक्ट का मार्क्स इकट्ठा एज ए होल, एज ए एग्रीगेट जानना चाहता हूं, तो उस कंसेप्ट को बच्चे हम कहते हैं मैक्रो, बड़ा बृहद व्यष्टि अर्थव्यवस्था. अब मैं दोनों की डेफिनेशन बारी बारी से आपको देता हूं. इट इज ए सिस्टम इन विच ओनली इंडिविजुअल यूनिट और सिंगल यूनिट इज स्टडीड. जब किसी सिस्टम में आप एक व्यक्ति या एक छोटे से इकाई का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बच्चे माइक्रो इकोनॉमिक्स. और वहीं दूसरी तरफ द सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी इट एज ए एग्रीगेट, इन विच वी स्टडी इट एज होल, पूरे समस्त रूप से आप उसको पढ़ना चाहते हो, तो उसे हम लोग कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स. ध्यान दो, बच्चे के एक सब्जेक्ट का मार्क्स अगर मैंने पूछा तो मैंने छोटे यूनिट की बात की, मैथ्स का मार्क्स पूछा था, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा हो जाएगा. और वहीं जब मैं उसके क्लास टेंथ का मार्क्स पूछता हूं तो उसमें उसके पांचों या छह सब्जेक्ट जो बच्चे ने ऑप्ट किया है वो सारे सब्जेक्ट का एग्रीगेट मार्क्स बताएगा. तो जब हम इकोनॉमिक्स को एज एन एग्रीगेट और एज ए होल देखने की कोशिश करते हैं, उस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं बच्चे मैक्रो इकोनॉमिक्स. यहां तक अगर किसी को कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं बच्चे, क्योंकि आने वाला कुछ समय हम लोग इंटरेक्टिव सेशन के रूप में यूज करेंगे. ओके, अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है इस जगह पर बच्चे, तो हम इस पढ़ाई को और आगे ले चलते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट बात हम क्या दिमाग में रखेंगे. हम इसकी अगले पहलुओं की बात करेंगे. इट हैज लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, इसका फैलाव बहुत छोटे दायरे तक सीमित है. वहीं दूसरी तरफ इट हैज वाइड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. फिर आप ध्यान दो, जब मैंने बच्चे के मैथ्स का मार्क्स पूछा तो उस स्थिति में मैं उसका सिर्फ एक एप्टीट्यूड समझ पा रहा हूं कि उसका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड कैसा है. लेकिन जब मैंने बच्चों के सभी सब्जेक्ट का मार्क्स पूछा तो उसमें मुझे उसके लैंग्वेज स्किल का भी एक आइडिया मिल जाएगा, उसके सोशल साइंस के कंसेप्ट का भी कुछ पता चल जाएगा. अर्थात हम जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमारा एरिया ऑफ स्कोप लिमिटेड होता है, वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा एरिया ऑफ स्कोप वाइड हो जाता है बच्चे. फिर यहां पर हम एक छोटे यूनिट को पढ़ते हैं, इंडिविजुअल यूनिट, वहां इकोनॉमी एज ए होल पढ़ते हैं. मैं आपको दूध की कंपनियों के एग्जांपल से ये कंसेप्ट समझाने का प्रयास करता हूं बच्चे. अगर मैं केवल मदर डेयरी मिल्क दिल्ली में कितना सप्लाई होता है, सिर्फ इसकी काउंटिंग शुरू कर दूं, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा बच्चे, क्योंकि मैंने सिर्फ एक कंपनी मदर डेयरी का एग्जांपल लिया है. अब वहीं दूसरी तरफ मैं एक उदाहरण देता हूं कि दिल्ली में दूध की कितनी सप्लाई है. इस अवस्था में
मदर डेयरी के साथ पारस और भी जो डिफरेंट कंपनी दिल्ली में मिल्क प्रोवाइड करते हैं, हम उन सब की काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे और उन सबको ऐड कर देंगे, यानी अर्थव्यवस्था को हम बड़े स्तर पर लेकर चले जाएंगे और उन सब का हम समेशन ऐड करके निकालेंगे, तो इकोनॉमी एज अ होल पूरी दिल्ली में दूध की कितनी सप्लाई है, इसको हम लोग कहेंगे बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स। और वहीं जब मैं कहूंगा मदर डेयरी कंपनी दिल्ली में कितना दूध सप्लाई करती है, इस कंसेप्ट को हम लोग बोलेंगे बच्चे माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो एक तरफ छोटी इकाई है, एक तरफ बृहत इकाई है, एक तरफ इंडिविजुअल यूनिट है तो दूसरी तरफ यूनिट एग्रीगेट है या एज अ होल आप उसको स्टडी कर रहे हैं, एक तरफ एरिया ऑफ स्कोप लिमिटेड है तो दूसरी तरफ एरिया ऑफ स्कोप वाइड है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का उदाहरण है डिमांड। आपके घर में दूध का कितना डिमांड है, ये एग्जांपल है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। आपके घर में पानी की कितनी सप्लाई आती है, ये एग्जांपल है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। सो डिमांड, सप्लाई, इंडिविजुअल इनकम, आपके मम्मी या पापा की इनकम कितनी है, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये तीनों उदाहरण है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और ठीक इसके विपरीत अगर दूसरी तरफ मैं कहूं एग्रीगेट डिमांड, आपके पूरे सोसाइटी आपके पूरे लोकैलिटी में किसी भी वस्तु का डिमांड कितना है, सो डिमांड चेंजेस टू एग्रीगेट डिमांड, इट मींस एग्जांपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स गेट कन्वर्टेड इनटू मैक्रो इकोनॉमिक्स। सप्लाई, सप्लाई कन्वर्टेड इनटू एग्रीगेट सप्लाई, सो फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स इट चेंजेस टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक तरफ मैंने बात की थी इंडिविजुअल इनकम की, किसी एक व्यक्ति के आय की, तो वहीं दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूं नेशनल इनकम की, देश के इनकम की, तो हम बड़े पैमाने पर देखना शुरू कर चुके हैं और इसे हम लोग कहते हैं बच्चे मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर थोड़ा सा हम ज्ञान का दायरा बढ़ाना चाहेंगे तो इकोनॉमिक सिस्टम कंट्री में तीन तरह से चलाया जाता है बच्चों। पहला सिस्टम है इकोनॉमिक सिस्टम का, व्हेन ऑल द डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन इज डन बाय द गवर्नमेंट, जब उत्पादन के सभी निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, इस तरह के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बच्चे सोशलिस्ट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। जब केंद्रित रूप से उत्पादन के सभी फैसलों का निर्णय ले लिया जाए, इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब दूसरा नजरिया यह भी है, व्हेन डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन इज डन बाय द मार्केट फोर्सेस, बाजार तय करे कि क्या बनाना है, इस कंसेप्ट को हम लोग दो नाम से पुकारते हैं बच्चे, मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अमेरिका इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वेयर यूएसएसआर इज एन एग्जांपल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। लेकिन जब आप भारत की बात करेंगे तो भारत में दोनों पद्धति एक साथ है, द बोथ सिस्टम एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। फिर मैं एक उदाहरण से आपको इसको समझाता हूं। बहुत सारे बच्चे केंद्रीय विद्यालय या सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं तो ये एग्जांपल है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का। वहीं कुछ बच्चे या बहुत बच्चे प्राइवेट स्कूल लाइक डीएवी, डीपीएस, बाल भारती इन सब जगहों पर पढ़ते हैं तो ये एग्जांपल है बच्चे मार्केट इकोनॉमी का। और भारत में दोनों तरह के स्कूल साइमल्टेनियसली रन किए जा रहे हैं, एक साथ रन किए जा रहे हैं, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है बच्चे, मिक्स्ड इकोनॉमी है। सो इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। मैं एक बार पुनः आता हूं बच्चे, इकोनॉमिक सिस्टम का तीन ब्रॉड क्लासिफिकेशन मैंने किया। पहला सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसका दूसरा नाम सोशलिस्ट इकोनॉमी है, व्हेन डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन इज डन बाय द गवर्नमेंट। वहीं सेकेंड टाइप ऑफ इकोनॉमी जो है बच्चे वो मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, व्हेन डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन इज डन बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी जो है बच्चे मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहां पर कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट एक साथ चलता है या सेंट्रली प्लान्ड और मार्केट इकोनॉमी को एग्जिस्ट, को मतलब एक साथ एग्जिस्ट करता है, मतलब होता है, उसे हम लोग बच्चे कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। सो इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। यहां तक अगर आपके मन में कोई भी डाउट है बच्चे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। Is in chat, I'm ready to respond it, or else I will give recapitulation
आज की क्लास को मैं समराइज करूंगा और फिर मैं आज का लेक्चर खत्म कर दूंगा। बच्चे, आज क्लास 11th इकोनॉमिक्स का हम लोगों ने पहला लेक्चर शुरू किया था और जिसमें मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स किताब का चैप्टर नंबर 1 टच किया था और चैप्टर का नाम था बच्चों इंट्रोडक्शन। जो सबसे पहला टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था बच्चे, वो इकोनॉमी था। इकोनॉमी का अर्थ होता है इट इज अ सिस्टम दैट स्प्रेड ओवर अ एरिया वेयर पीपल अर्न्स देयर लिविंग और दैट प्रोवाइड पीपल मींस टू अर्न देयर लिविंग। किस तरह से किसी क्षेत्र में वहां के लोग अपने जीवन यापन का तरीका ढूंढते हैं, उसे हम लोग इकोनॉमी कहते हैं। जब हम इकोनॉमी पढ़ते होते हैं तो बच्चे इकोनॉमी के अंदर 4 प्रोसेस चलते होते हैं, 4 क्रियाएं चलती हैं एंड दीज 4 प्रोसेस आर प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद प्रोडक्शन के लिए कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है एंड देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वन इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये पहला टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार्टेड दैट इज स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी का मतलब होता है वो सिचुएशन व्हेन डिमांड एक्सीड सप्लाई और इट इज लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। जब चीजों की जरूरत ज्यादा हो और उस चीज की पूर्ति उतनी नहीं हो पाए, इस अवस्था को कमी या अभावी कहते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक आई डिसाइडेड टू डिस्कस विथ यू इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। Human beings always want many things. It means human wants are unlimited. इंसानों की जरूरत असीमित होती है, but to fulfill that want, the resources are limited. उन जरूरतों को पूरा करने के लिए आपके पास साधन बहुत ही सीमित होता है और हमें अपने साधनों को prioritize करते हैं अपने नीड के हिसाब से फुलफिल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने नीड को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के हिसाब से डालते हैं कि किस नीड को हम रिसोर्स से सबसे पहले फुलफिल करेंगे, उसके बाद किसकी बारी आएगी और उसके बाद किसकी बारी आएगी। सो व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस? इट इज द वे दैट पीपल मैनेजेस देयर रिसोर्सेस विच इज लिमिटेड इन नेचर एंड फुलफिल देयर अनलिमिटेड वांट्स थ्रू अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेस। अपने इच्छाओं की पूर्ति असीमित साधन से हम किस प्रकार करते हैं, उनको कैसे श्रृंखलाबद्ध रूप से अरेंज करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यहाँ के बाद मैंने बच्चे स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है बच्चे स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एट इंडिविजुअल और स्मॉल लेवल। जब आप इकोनॉमिक्स को छोटी इकाई के रूप में पढ़ते होते हैं तो उसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं एंड व्हेन द सेम इकोनॉमिक्स इज स्टडीड एज एन एग्रीगेट और एज अ होल, बड़ी इकाई के रूप में पढ़ते हैं इसे आप, तो उसे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप लिमिटेड है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप वाइड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल डिमांड, सप्लाई और इंडिविजुअल इनकम है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम है। और लास्ट टॉपिक जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया बच्चे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम मूलतः 3 तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक्स, अर्थात जब ऑल डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन इज डन बाय द गवर्नमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। सेकेंड, मार्केट इकोनॉमी, व्हेन डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन is done by the market forces of demand and supply, it is also called as capitalist economy. And third and the last topic for today is mixed economy. In this economy, both the earlier system coexist, अर्थात ऊपर के दोनों system एक साथ होते हैं। The economic system in which decision regarding production is done by the government and same time it is also done by the market forces is called mixed economy. Thank you. Thanks a lot. Jai Hind, Jai Bharat.